अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अबुल हसन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की ये वीडियो बैरियर टाउन कराची वर्सेस डीएचए सिटी कराची की सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उन वीडियोज़ को कम्प्लीट ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं बात करूँगा बैरियर टाउन कराची के प्रीसेंट 1 और डीएचए सिटी कराची के सेक्टर 2 के बारे में। अगर आप रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको इन दोनों प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन करके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊं कि इस वक्त किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले मैं आपको बैरियर टाउन कराची के प्रीसेंट 1 और डीएचए सिटी कराची के सेक्टर 2 के बारे में ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद में इन दोनों का कंपैरिजन करके मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वक्त इन्वेस्टर्स के लिए कौन से प्रोजेक्ट में अपॉर्चुनिटी है। वेल व्यूअर्स, बैरियर टाउन कराची के प्रीसेंट 1 में 250 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स के साइजेस हैं और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त अच्छे खासे घर बन चुके हैं और ये एक आबाद इलाके का मंजर पेश कर रहा है। इसी तरह प्रीसेंट 1 में मस्जिद, पार्क, स्कूल और ज़िंदगी गुजारने की तमाम एमिनिटीज़ मौजूद हैं और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लोकेशन है, जो कि बिल्कुल बैरियर टाउन कराची की मेन एंट्रेंस के साथ है। प्रीसेंट 1 में इस वक्त 250 गज के प्लॉट्स की प्राइसेस 1,40,00,000 से शुरू होकर 1,90,00,000 तक जाती हैं। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं डीएचए सिटी कराची के सेक्टर 2 के बारे में। सेक्टर 2 डीएचए सिटी कराची की मेन एंट्रेंस यानी कि इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है और इंटर होते ही सबसे पहले सेक्टर 1 और 2 आते हैं। सेक्टर 2 में रेजिडेंशियल कैटेगरी के प्लॉट्स के साइजेस 300 गज और 500 गज के हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर मौजूद वीडियो में देख सकते हैं कि इस वक्त डेवलपमेंट का काम सेक्टर 2 में ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एमिनिटीज़ का प्रोविज़न यहाँ पर रखा गया है, यानी कि मस्जिद, पार्क, स्कूल और मार्केट्स वगैरह के प्रोविज़न्स यहाँ मौजूद हैं। और सेक्टर 2 के साथ ही सेक्टर 3 है जिसमें ज़िंदगी गुजारने की तमाम बेसिक सहूलियात मौजूद हैं, जैसे कि मस्जिद, पार्क, स्कूल, कमर्शियल एरिया वगैरह शामिल हैं। सेक्टर 2 में 300 गज के प्लॉट की एवरेज प्राइस 85,00,000 से शुरू होकर 90,00,000 तक जाती है और 500 गज के प्लॉट की प्राइस 1,25,00,000 के अराउंड है। सो व्यूअर्स, अब हम आ जाते हैं अपने वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर, जिसमें हमने ये कंपैरिजन करना है कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से कहां पर फ़ायदेमंद है। जैसा कि मैं आपको वीडियो में पहले प्राइसेस के बारे में बता चुका हूं कि प्रीसेंट 1 के अंदर 250 गज के प्लॉट की एवरेज प्राइस 1,50,000 के अराउंड है और सेक्टर 2 के अंदर 300 गज के प्लॉट की प्राइस एवरेज 90,00,000 के अराउंड है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, या प्रीसेंट 1 या सेक्टर 2 में से किसको चूज़ करें। वेल व्यूअर्स, इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत ही बेसिक सा रूल है, वो ये है कि आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर अभी प्राइस बढ़ी हुई ना हो। डीएचए सिटी कराची के अंदर इस वक्त प्राइसेस बढ़ने का अच्छा मार्जिन मौजूद है और अगर मैं एक साल पीछे चला जाऊँ तो थोड़ा सा मार्केट का आपको एनालिसिस भी देता चलूँ कि जैसे ही पिछले साल पेंडेमिक के बाद मार्केट खुली तो सबसे पहले डीएचए सिटी कराची की मार्केट की प्राइसेस के अंदर तकरीबन 20-25% का इंक्रीज़ आया और उसके बाद डीएचए सिटी कराची की मार्केट रुक गई और बैरियर टाउन कराची की मार्केट चलना शुरू हुई 3 महीने के बाद, और बैरियर टाउन कराची की प्राइसेस के अंदर भी तकरीबन 50-60% के अंदर प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ आया। तो इस वक्त जो हम मार्केट की सिचुएशन देख रहे हैं उसके अंदर डीएचए सिटी कराची के अंदर प्राइसेस की इंक्रीज़ होने का एक अच्छा चांस मौजूद है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ चुका है इस वक्त। बैरियर टाउन कराची के अंदर आपको 250 गज़ का प्लॉट 1,50,000,000 का मिलता है और डीएचए सिटी कराची के अंदर आपको 300 गज़ का प्लॉट 90,00,000 रुपये में मिलता है। अगर लोकेशन देखें हम इन दोनों की तो ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, डीएचए सिटी कराची बैरिया से फर्दर 10 किलोमीटर आगे है, लेकिन अगर इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन दोनों की लोकेशन का कंपैरिजन करें तो सेम है। प्राइसेस की इतना ज़्यादा इन डिफरेंस की एक और वजह यही है कि बैरियर टाउन कराची के अंदर लोगों का इस वक्त जाके रहने का रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से प्राइसेस के अंदर इतना इंक्रीज़ आ गया है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और रिटर्न हासिल करना चाहते हैं तो इस डिफरेंस का फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त आप सेक्टर 2 के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बहुत अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। बैरियर टाउन कराची का एक और बहुत बड़ा इशू अनसर्टेनिटी का भी है, जिसकी वजह से इसमें प्राइसेस के अंदर चेंज काफ़ी तेज़ी से आ जाता है। तो इस वक्त मैं बैरियर टाउन कराची के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को ये सजेशन दूंगा कि वो इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी देखते हुए डीएचए सिटी कराची के अंदर बाइंग करें
हाँ, ये सजेशन उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अभी फौरी तौर पर घर नहीं बनाना, यानी कि जो लोग रियल स्टेट से रिटर्न हासिल करना चाहते हैं, वो इस वक्त अगर अपनी इन्वेस्टमेंट DHA सिटी की तरफ मूव करते हैं तो ये जो डिफरेंस है इससे एक अच्छा एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी आखिरी वीडियो जैसी टॉपिक पर थी उसका भी जिक्र करता चलूँ कि उसके अंदर मैंने इन दोनों प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन किया है कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज़ इन दोनों प्रोजेक्ट्स की क्या हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा, उससे भी आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा इन दोनों प्रोजेक्ट्स के हवाले से। सो व्यूअर्स, अगर आप रियल स्टेट से रिटर्न हासिल करना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है कि आप DHA सिटी कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर मैं मार्केट का एक और मूव भी आपको बताता चलूँ। कराची के अंदर रियल स्टेट की प्राइसेस अगर हम लास्ट 3 से 4 साल को देखें तो स्कीम 33 के अंदर काफ़ी तेज़ी से प्राइसेस बढ़ी। इसी तरीके से जब वहाँ पर प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो लोगों का रुझान बहरिया टाउन कराची की तरफ हो गया। अब इस वक्त बहरिया टाउन कराची की प्राइसेस अच्छी खासी इंक्रीज़ हो चुकी हैं, तो इसके बाद अगर हम सीक्वेंस में चलें तो DHA सिटी कराची की लोकेशन आती है। तो इस एरिया में अब यही एक क्रेडिबल प्रोजेक्ट है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ एंड सिक्योर होगी और आप रिटर्न भी बहुत अच्छा हासिल कर सकते हैं अगर आप इस मार्केट के मूव को समझ जाएं तो। बहुत से लोग एक और बहुत बड़ा सवाल ये भी करते हैं कि बहरिया टाउन कराची और DHA सिटी कराची की इस वक्त डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है और बहरिया में इस वक्त लोग रह रहे हैं और DHA सिटी कराची में फ़िलहाल आबादी का इतना ज़्यादा रुझान नहीं हुआ। तो इस चीज़ के हवाले से मैं ये कहता चलूँ कि पहले तो जो मैं ये इस वक्त सजेशन दे रहा हूँ ये सिर्फ़ उन लोगों को दे रहा हूँ जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग अभी फौरी तौर पर अपना घर नहीं बनाना चाहते उनके लिए DHA सिटी कराची आइडियल है। आने वाले 3 से 4 साल में DHA सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आबादी हो जाएगी और ये जो इशू है कि आबादी का इस वक्त यहाँ पर रुझान कम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, तो उस वक्त तक भी आपको प्राइसेस के अंदर अच्छा खासा इंक्रीज़ मिल जाएगा। प्राइसेस के इंक्रीज़ की अगर मैं आपको 10 साल की एक एग्जांपल दूं तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। वो ये है कि DHA कराची के अंदर फेज़ 6 और फेज़ 8 के अंदर 500 गज़ के एवरेज प्लॉट की प्राइस आज से 10 साल पहले सेम यही थी जो इस वक्त DHA सिटी कराची के अंदर 500 गज़ के प्लॉट की प्राइस है, यानी कि 1 करोड़ और 1.5 करोड़ के अराउंड। और 10 साल बाद जो इस वक्त की मार्केट की प्राइसेज हैं वो तकरीबन 7.5 से 8 करोड़ के अराउंड एवरेज प्राइस है 500 गज़ के प्लॉट की। तो 10 साल के अंदर आप इंक्रीज़ देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर आया। तो हम इस वक्त यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 10 साल में DHA सिटी भी इसी तरह का रिटर्न दिखाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो DHA सिटी आइडियल है। वेल व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको बहुत सारे सवालात के जवाब मिल गए होंगे और आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होगी। मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आपको बाइंग सेलिंग के हवाले से बहरिया टाउन कराची या DHA सिटी कराची के अंदर कोई भी क्यूरी हो तो आप रابطہ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।